नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एटलाइजर स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में देखना है ऑब्जेक्टिव ऑन इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी। इसमें जो लिमिट फिक्स एंड टॉलरेंस का जो चैप्टर है उसके ऊपर कुछ एमसीक्यू में कवर करने वाला हूँ। तो एमसीक्यू है आपका, व्हाट इज गो लिमिट। जैसे आपको पता है कि एक गो लिमिट रहता है और एक नो गो लिमिट रहता है। तो इसके लिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, पहले आपको एक शार्प एक कोण निकाल लेता हूँ यहाँ पे, और सेम एट द रेंड आपको एक शार्प भी निकालता हूँ यहाँ पे। अभी ये जो शाफ्ट है ये इसका अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये होल का अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो गो में क्या होता है कि होल में गो क्या होना चाहिए, गो जो लग गेज है आपका वो क्या होना चाहिए, जाना चाहिए, और नो गो क्या होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये नो गो है आपका, ये गो है। सेम यहाँ पे स्नैप गेज रहता है। स्नैप गेज का क्या होता है आपको पता है, स्नैप गेज में भी क्या रहेगा, एक गो रहेगा और एक प्लस है, सेम एक नो गो स्नैप गेज रहता है आपका। तो गो क्या होना चाहिए, एंटर होना चाहिए, और नो गो नहीं एंटर होना चाहिए। तो ऐसा एक गो लिमिट क्या चेक करता है, अभी उसके ऊपर के एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो लोअर लिमिट ऑफ शार्प एंड अपर लिमिट ऑफ होल। तो अभी देखो गो क्या चेक कर रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, वो लोअर लिमिट चेक कर रहा है। एट द सेम टाइम ये क्या कर रहा है, गो अंदर जाना चाहिए, मतलब ये भी क्या कर रहा है, इसका अपर लिमिट चेक कर रहा है। मतलब शाफ्ट के केस में गो चेक क्या कर रहा है, अपर लिमिट चेक कर रहा है, और होल के केस में वो क्या चेक कर रहा है, लोअर लिमिट चेक कर रहा है। तभी उसके हिसाब से आंसर आंसर देख लेते हैं क्या है। ये आंसर नहीं हो सकता है कि क्या कर रहा है, लोअर लिमिट कह रहा है, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट एंड होल, दोनों भी लोअर लिमिट, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट ओके एंड लोअर लिमिट ऑफ होल, ये क्या आपका आंसर है, अपर लिमिट ऑफ दोनों भी नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपका आंसर अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको आंसर इजीली आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में क्या है, अभी उन्होंने क्या क्या है, ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस डिसाइड मैन्युफैक्चरिंग एक्यूरेसी, ये बराबर है। ठीक है, फॉर एनी बेसिक साइज देर आर 20 डिफरेंट शार्प, 20 शार्प रहते हैं, 25 शार्प रहते हैं। लाइन ऑफ जीरो डिविनेशन इज ऑल्सो नोन एज जीरो लाइन, ये ओके है। टॉलरेंस हैज नो साइन, ठीक है, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन ये आपका इनकरेक्ट है, तो 20 नहीं रहते, 25 रहते हैं। और ये अभी शार्प 25 है और होल कितने होते हैं, 28 होते हैं, 28। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी होल्स आर देयर फॉर एनी बेसिक, अभी डिस्कस किया, 28 आंसर है इसका। व्हाट डज ES कैपिटल ES रिप्रेजेंट एज पर IS 919। अभी इसका क्या होता है कि IS, ये जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब आपको ये काम में आता है ES वगैरह। तो ये जो कैपिटल लेटर्स है ये क्या डेजिग्नेट करते हैं, होल डेजिग्नेट करते हैं, और स्मॉल ES क्या करते हैं, शाफ्ट डेजिग्नेट करते हैं। और अगर ES है मतलब क्या है, ये अपर लिमिट होता है। ठीक है, तो अभी देखो अपर लिमिट, अपर डिविजन ऑफ होल, ठीक है, ये आंसर है आपका। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज IT01 बेसिक साइज ऑफ होल, नहीं आपको बेसिक साइज पता है, 50 H7 G8 जैसा देखा था वो क्या होता है, 50 आपकी बेसिक साइज थी। होल और शाफ्ट ये दोनों भी नहीं आंसर हो सकते, ये दोनों भी आंसर नहीं है। उसके बाद टॉलरेंस ग्रेड है, ये आंसर है आपका टॉलरेंस ग्रेड। IT जैसे मैंने बताया कि अलग अलग IT ग्रेड्स रहते हैं, मतलब IT01 IT00 ऐसे टॉलरेंस, आपके पास टॉलरेंस के ग्रेड है, 18 टाइप ऑफ टॉलरेंस ग्रेड है आपके पास। विच प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू गेज डिजाइन, रैंकिंग प्रिंसिपल नहीं है आपका, ये तो एकदम इजी सवाल है, कार्नोट प्रिंसिपल ये नहीं आपका, टेलर्स प्रिंसिपल के ऊपर आपका क्या होता है, गेजेस का डिजाइन होता है। नेक्स्ट है, गो लिमिट अप्लाइड टू विच कंडीशन। अभी जैसे मैंने पहले वाला जो डायग्राम बताया था कि गो लिमिट किसको अप्लाई होता है, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन या मिनिमम मटेरियल कंडीशन को, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से ये जो पुराना डायग्राम था निकाले वाला वो आपको रेफर करना पड़ेगा। देखो गो लिमिट क्या ये करता है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, मतलब ये दोनों भी जो केस है, अभी देखो यहाँ पे
ये लोअर लिमिट गो का है यहाँ और यहाँ पे अपर, मतलब ये दोनों भी क्या है, होल का मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन है, एट द सेम टाइम शाफ्ट का भी क्या है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, वो क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब गो गो लिमिट क्या चेक करता है आपका मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन चेक करता है, और जो नो गो है आपका क्या करता है मिनिमम मटेरियल कंडीशन चेक करता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्लग गेज, प्लग गेज के लिए क्या है, साइज डिफरेंस बिटवीन गो एंड नो गो प्लग गेज इज ग्रेटर देन टॉलरेंस टेस्टेड फॉर होल एंड शाफ्ट एंड होल। पहली बात तो ये होता ही नहीं कि साइज डिफरेंस वगैरह ऐसा होल, तो आपका आंसर जो है ये है आपका आंसर बी, साइज डिफरेंस बिटवीन गो एंड नो गो प्लग गेज इज इक्वल टू द टॉलरेंस टेस्टेड शाफ्ट एंड होल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गो स्नैप गेज, अगर आपका स्नैप गेज आप यूज कर करके पियर आउट होता है तो उसको क्या होता है, कंसिडर करो आपका ये स्नैप गेज है और आप क्या करते हो किसी शार्प उसका चेक कर लेते हो शार्प, तो क्या होता है वो यहाँ पे वियर आउट हो जाता है, यहाँ पे वियर आउट होने से क्या हो जाता है उसका साइज क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ नो गो गेजेस, नो गो क्या करता है बेसिकली, नो गेज आपका एक ही एलिमेंट चेक करता है, ठीक है, जैसे वो अगर किसी इसमें अंदर जाता है, कंसिडर करो एक प्लेट है जिसके अंदर मैंने एक होल ड्रिल किया है, होल ड्रिल करने के बाद मैंने यहाँ पे गो गेज इसके अंदर इंसर्ट किया, तो क्या होता है वो डायमीटर तो चेक करता ही करता है, इसके साथ इसका जो होल का स्ट्रेटनेस है वो भी चेक करता है, लेकिन नोगो का क्या रहता है, नोगो क्या करता है खाली उसका एक ही डायमेंशन चेक करता है, उसका डायमीटर ही चेक करेगा बस, तो चेक ए सिंगल फीचर, ये आंसर है उसका। फिर नेक्स्ट, विच डेविएशन आर प्रोवाइडेड टू ए न्यू प्लग गेज, प्लग गेज का क्या होता है कि जैसे आपको पता है आप प्लग गेज किसके लिए, होल का डायमेंशन चेक करने के लिए यूज करते हो, लेकिन उसके ऊपर क्या करते हो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलाउंस देते हो क्योंकि उसको वियर आउट ना हो, उसको गेज टॉलरेंस वगैरह कहते हैं वर्क टॉलरेंस, तो इसका जो आंसर है टू पॉजिटिव डेविएशन उसको डेविएशन दिया जाता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। Thank you.